खबर प्रयागराज से, जहां प्रयागराज माघ मेला के अपने शिविर पंडाल में किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर कौशल्यानंद गिरी टीना मां ने आज यह बात 26 जनवरी को आंदोलनकारियों के द्वारा दिल्ली में किए गए कृत्य के संदर्भ में कही। किन्नर अखाड़ा की प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद प्रथम बार मीडिया को दिए अपने इंटरव्यू में मीडिया द्वारा दिल्ली की घटना पर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने यह बात कही। टीना मां ने कहा, किसान आंदोलन के नाम पर जिस तरह सरकारी संपत्ति का नुकसान किया गया, तिरंगे का अपमान किया गया, मैं उसकी निंदा करती हूं। उन्होंने कहा कि यह मेरे अपने विचार है। किन्नर अखाड़ा की प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर उनकी प्रतिक्रिया पूछे जाने पर उन्होंने कहा, अपने आचार के बगैर मैं शून्य हूँ। मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है, मेरे आचार्य महामंडलेश्वर अखाड़ा प्रमुख लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी माँ ने मुझे इस लायक समझा कि मुझे यह दायित्व दिया। उन्होंने इसके लिए प्रति आभार व्यक्त किया। केरल के थ्रिसूर गांव की किन्नर एसवी क्रिया के डॉक्टर बनकर सीतारमन अस्पताल में मरीजों की सेवा किए जाने के विषय में प्रश्न करने पर उन्होंने बताया कि यह किन्नर समाज के लिए बहुत ही गर्व की बात है। यह पूछे जाने पर कि आपके अखाड़े में भी कोई किन्नर डॉक्टरी या अन्य सम्मानजनक पेशे में जाना चाहती है, उन्होंने कहा, समय बदलता रहता है, यदि कोई पढ़ाई कर आगे जाना चाहे तो हमें खुशी होगी। ये तो ये बहुत पॉलिटिकल क्वेश्चन है, मैं अब इसके लिए कुछ नहीं कहना चाहती हूँ, मगर ये मेरा सोचना ये है, मेरा व्यक्तिगत तौर से मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो भी हमारे सबसे पहले हमारे देश होता है, राष्ट्र होता है, जब राष्ट्र के झंडा जब वहाँ पे था तो उसमें उस तिरंगा को उतार के अपना एक व्यक्तिगत कोई समुदाय के झंडा वहाँ फहराना, इसको मैं कड़ी शब्द में निंदा करती हूँ। मेरा व्यक्तिगत तौर से मैं ये बात रखती हूँ, अपना बिल्कुल ये नहीं होना चाहिए। सबसे पहले धर्म से भी और जाति से भी ऊपर उठ के हम लोग राष्ट्र के बारे में सोचना चाहिए। जब राष्ट्र है तो हम हैं, हमारा अस्तित्व है, जब राष्ट्र नहीं है तो बिल्कुल कुछ भी नहीं है। तो राष्ट्र ध्वज था तो उसको बरकरार रहना देना चाहिए, राष्ट्र से बढ़ के कुछ नहीं है। ये कोई जाति कोई एक समुदाय के वहाँ झंडा नहीं लहराना चाहिए, इसका मैं कठोर निंदा करती हूँ। वास्तविक रूप में कहूँ तो मैं बिल्कुल सुनने हूँ, जब तक मेरे आचार्य महामंडलेश्वर के आशीर्वाद ना रहे तब तक तो मैं सुनने हूँ, जब उनका आशीर्वाद रहेगा तो फिर मैं पूर्ण रहूँ, और उनके आशीर्वाद है और मैं पूर्ण हूँ इस समय। और उन्होंने हमको उस लायक समझा जो प्रदेश अध्यक्ष बनाया, तो बिल्कुल मैं सबसे पहले तो ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ माता जी को कि मैं जो उन्होंने मुझको जो जिम्मेवारी दिया है, मैं उस जिम्मेवारी में पूरा 100% देने की कोशिश करूँगी। और वास्तव में आपने सही पूछा कि मेरे जिम्मेवारी बढ़ गई, बिल्कुल मेरे जिम्मेवारी बढ़ गया, और मैं चाहती हूँ कि पूरा किन्नर अखाड़ा के प्रचार प्रसार हो पूरा प्रदेश में, और किन्नर अखाड़े के विस्तार हो पूरा प्रदेश में, और मैं इसमें तन मन धन लगा के कोशिश करूँगी कि किन्नर अखाड़ा को विस्तार करना और किन्नर अखाड़े को प्रचार करना और सनातन धर्म को आगे बढ़ाना, बिल्कुल मेरा यही उद्देश्य है। के परिवर्तन है, आज दिन है तो कल रात है, कल रात है तो दिन है, बिल्कुल हमारा किन्नर समाज भी जब प्राचीन काल में, जब तीर्था युग में द्वापर युग में भगवान के ये भगवान के दर्जा बराबर के उनका स्थान था, आज आते आते कलयुग में हम लोग के जो भी वजूद है वो छीना गया है ना, हम लोग को बिल्कुल तिरस्कारी भरी नज़रे से देखने लगे। जब से नालसा जजमेंट आया, जब से हमारा किन्नर अखाड़ा स्थापित हुआ, तब से हमारा किन्नर समुदाय के विकास होते जा रहे हैं। कल आप लोग मीडिया साथी भी हम लोग को कुछ नहीं जानते थे, आज हम लोग से बाइट ले रहे हो, ये हमारे लिए बहुत बड़ा उपलब्धि है, और मैं उनको धन्यवाद देती हूँ और उनको शुभकामना देती हूँ जो किन्नर के एक उदाहरण बन के वो डॉक्टर बनी, और उनको मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ, दिल से शुभकामना देती हूँ। बिल्कुल हम उन्होंने एक उदाहरण खड़ा कर दिया, यदि किन्नरों के भी अवसर मिलेगा, किन्नर भी पढ़ेंगे लिखेंगे, यदि अच्छा माहौल मिलेगा, अच्छा वातावरण मिलेगा, किन्नर भी सब कुछ कर सकते हैं, ये उनके माध्यम से ये समाज में एक संदेश गया है, और आप लोग इस बात को समझिए, समाज लोग हम भी एक समाज के अंग हैं, यदि समाज हमको सही नज़रिया से देखेगा, सही व्यवहार करेगा, तो हमारे भी बढ़ चढ़ के और समाज के प्रति हमारा दायित्व तो बढ़ेगा और अपना दायित्व तो हम लोग निर्वाह करेंगे, यही कहना है। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव।